Before watching the video, don't forget to subscribe the channel and enable bell notification to never miss an update from us. Hello guys, welcome back to Entry. My name is Sandeep Nehra, your educated Entry. तो आज हम डिस्कस करेंगे SBI के अलग 2022 के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जो कि आपकी पर्टिकुलर रहेगा कि जो SBI क्लर्क है उसकी सैलरी एंड पर्क्स हैं वो क्या क्या रहते हैं. विद मैं आपके साथ सैलरी स्लिप शेयर करूंगा और जो पर्क्स और अलाउंसेस मिलते हैं उसकी आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा. इसके अलावा आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए SBI क्लर्क एग्जाम देने के लिए और जो एग्जाम आता है उसका पैटर्न क्या रहता है, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है, मेंस में क्या रहता है, या फिर इसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर आपकी फेज रहती है कि नहीं. इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहता है जो हम कम टाइम में कवर अप भी कर सकते हैं. इसके साथ साथ मैं इसकी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर टॉपिक बेस पे, यानी कोई भी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश का, तो उसकी स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो क्या रही है और जो एक्सपेक्टेड डेट है 2022 के नोटिफिकेशन की वो क्या रहेगी, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली काफी टाइम से SBI क्लर्क हर साल रेगुलर आपको देखने को मिल रहा है, तो अब की बार 2022 में कब आपका एग्जाम होगा वो चीजें भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहेंगी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है काफी नॉर्मल है, तो हो सकता है कि जो नोटिफिकेशन है वो पहले आए या बाद में आए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सैलरी स्लिप से, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग का जो कंपोनेंट रहेगा आपकी सैलरी रहेगी कि अगर एज ए SBI क्लर्क आप ज्वाइन करते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलती है. सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हो जो सैलरी स्लिप है वो अक्टूबर की है 2021 में. जूनियर एसोसिएटेड यानी आपके क्लर्क की वैकेंसी क्लर्क की सैलरी स्लिप है. जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 25 जनवरी 2021 है. आपको पता है कि शायद अब की बार जो भी है या 16 या 17 के अराउंड जनवरी में ही ज्वाइनिंग है. 2021 में जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा था तो उसकी आई थिंक 16 या 17 तारीख को है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो अगर आपको किसी को पता हो कि 16 को है या 17 को, इसी की डेट के अप्रोक्सीमेट है आपकी बार भी SBI क्लर्क की ज्वाइनिंग. इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पे आप देख सकते हो जो बेसिक पे है 19,900 आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा जो डियरेंस अलाउंसेस है यानी डीए है वो 6,603.90. अब देखो डीए क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है, ये चेंज हुआ है ठीक है, जो चेंज होता रहता है, तो डीए जब भी चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग से हर मंथ में थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे सैलरी होती है. तो अक्टूबर मंथ के है तो उस टाइम पे 27.79% डीए आपको देखने को मिला था. अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपडेट हो गया हो, तो ये थोड़ा बहुत कंपोनेंट क्या है ये वेरी करता रहता है, ऐसा नहीं फिक्स रहता. हो सकता है कि जब आप ये सैलरी स्लिप देख रहे हो तभी डीए कुछ और हो और जब आप ज्वाइन करो तो उस टाइम पे डीए कुछ और हो, तो ऐसा नहीं है कि सैलरी जो है यहाँ पे हर पर्टिकुलर मंथ पे सेम देखने को मिलेगी, तो डीए जो चेंज होता रहता है. हाउस रेंट अलाउंसेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है 2,039.75. इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस 600 रुपीज और स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है 3,263 रुपीज. ओवरऑल अगर मैं ग्रोस अर्निंग की यहाँ पे बात करूं तो 32,407.25 आपको देखने को मिलता है ग्रोस सैलरी. अब इसके अंदर कुछ डिडक्शंस भी होते हैं. जो डिडक्शंस है सबसे पहले प्रोफेशनल टैक्स होता है 200 रुपीज का और इसके अलावा पेंशन जो फंड होता है वो है 2,544 रुपीज का. क्लियर है, तो ये रहता है आपका क्या पर्टिकुलरली पेंशन का फंड. और ओवरऑल अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो 2,744 रुपीज का डिडक्शन होता है और इन हैंड 29,663 यानी अप्रोक्सीमेटली 30,000 के अराउंड आपको देखने को मिलता है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये तो हो गया आपकी सैलरी. इसके अलावा कुछ अलाउंसेस भी आपके लिए रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो सैलरी है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, सिटी टू सिटी वेरी करेगा. हो सकता है कि ये जो सैलरी स्लिप है गुजरात की है तो यहाँ पे जो है कुछ और चीजें हो सकती हैं एक्स्ट्रा और वहां पे क्या होता है कि सिटी अलाउंसेस वगैरह या फिर कुछ और अलाउंसेस होते हैं जिसमें वेरी करता रहता है. ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही नंबर रहेगा, कहीं कुछ और रहता है कहीं कुछ और रहता है, जैसे अलाउंसेस का भी फर्क आपको देखने को मिल जाता है. अब मैं कुछ अलाउंसेस की बात करता हूं जो आपको यहां पे मिलते हैं. अब सबसे पहले न्यूज़पेपर और मैगजीन अलाउंस की बात करेंगे, 360 रुपीज है. HRMS आपको पता है जैसे यहाँ पे सैलरी में भी देख सकते हो, या HRMS की जो वेबसाइट होती है कि जब आप एज ए SBI PO का क्लर्क ज्वाइन करते हो तो आपका इसको एक्सेस दिया जाता है, वहां से आप सारी चीजें देख सकते हो, आपके जो पेंशन वगैरह है या फिर PF वगैरह ये जो सारी चीजें होती है NPS वगैरह, तो सब उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है. तो HRMS की वेबसाइट पे आपको सैलरी भी देखने को मिलेगी पर्टिकुलर मंथ की. इसके अलावा जो भी आपके कंपोनेंट होते हैं जैसे अलाउंसेस के, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, तो इसके 360 रुपीस है वो आपको डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर क्या है पे क्लेम करने पड़ते हैं आपको, ठीक है. 360 रुपीस आपको यहां पे किसके मिलते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन कह सकते हो. इसके अलावा 360 रुपीस ही आपको एंटरटेनमेंट के मिलते हैं. इसके अलावा जो फ्यूचर जो पेट्रोल अलाउंस है वो आपको 20 लीटर दिया जाता है एज ए क्लर्क और 94.47 है वहां पे अभी रेट चल रहा है. हो सकता है जिस सिटी में आप पोस्ट हो वहां 102 या 103 रुपीस पर लीटर हो, तो ये वेरी करेगा जिस सिटी में आपकी पोस्टिंग है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करने को मिलेगा. तो ये क्या है 20 लीटर आपको दिया जाएगा 98.47. तो मैं एक रफ आइडिया मान लेता हूं, मान लेते हैं कि जो 100 रुपीस यहां पे क्या है आपका पेट्रोल का रेट चला, तो यहां में हो जाएगा कितना
2000, क्लियर है। तो 2000 क्या हो जाएगा आपका अलाउंसेस, यहाँ पे ऐसे पेट्रोल अलाउंस आप कह सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा 720 रुपीज मैगजीन और एंटरटेनमेंट के हो गए, तो यानी 2720 यानी अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ 3000 रुपीज आपको देखने को मिलेंगे। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, 3000 आपको क्या है यहाँ पे अलाउंसेस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर कुछ चीजें और एड की जाती है, जैसे जो क्या होता है कि डेपुटेशन वगैरह होते हैं। डेपुटेशंस क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी एक ब्रांच में पोस्टेड हो, ठीक है, तो किसी और पर्टिकुलर ब्रांच में स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कोई छुट्टी पे है या फिर कुछ और पर्पस के लिए है, तो वहां पे आपको भेजा जाता है, तो वो आपका डेपुटेशन हो जाता है। और उसमें क्या है, सैलरी के अलावा पर डे का आपको अलाउंसेस अलग से मिलते हैं, यानी पर डे कुछ और आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है, और ये अलग रहता है काफी जगह है। तो ये डेपुटेशन का कॉस्ट है। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में आपकी 10 से 12 डेपुटेशन लग गए, यानी 10 से 12 दिन किसी और ब्रांच पे गए, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 हजार रुपए और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये वेरी करते रहते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 1100 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, डेपुटेशन की अलग चीजें रह जाती हैं, क्लियर है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो फ्यूल का आप अप्लायंस जो अलाउंसेस देख रहे हो ना, फ्यूल वगैरह आपको चीजें मिलती हैं। ये आपको क्या होता है, आपको अपनी जो भी व्हीकल्स है, जैसे टू व्हीलर है यहाँ पे, तो आपको क्या है उसकी आरसी सबमिट करानी पड़ती है, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे मिलेगा। अगर वो व्हीकल आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तभी वहां पे आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं मानू कि मोटा मोटा एक आइडिया मान लेता हूँ, 3000 आपको अलाउंसेस है, 30000 आपकी सैलरी, अप्रोक्सीमेटली 32 से 33000 के बीच में आपको इन हैंड सैलरी देखने को मिलती है अगर एज ए न्यू ज्वाइनी हो आप SBI क्लर्क में, क्लियर है। इसके अलावा आप इंटरनल CIB GIB वगैरह के जो एग्जाम होते हैं इंटरनल प्रमोशंस के लिए, फिर इंक्रीमेंट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। तो एक अलग चीज है, जब आप ज्वाइन करोगे तब आप धीरे धीरे सारी चीजें अब समझ जाओगे। तो अब मैं मान के चलता हूं कि जब थोड़ा बहुत क्या है कि अभी 2022 का नोटिफिकेशन आएगा तो DA वगैरह चेंज हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 35000 के अराउंड मान लेते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी होगी, क्योंकि DA वगैरह चेंज होगा काफी कुछ चीजें उसमें देखने को मिलेगी। तो अप्रोक्सीमेट इतना मान के चलो अगर SBI कलर 2022 में ज्वाइन करोगे। बाकी जब एक ज्वाइनिंग आई उससे पहले मैं आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये क्लियर है यहाँ तक सैलरी और पक्ष के अलावा। अब दो काफी चीजें स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि लीज वगैरह, तो देखो क्लरिकल में ये सारी चीजें नहीं रहती, वो ऑफिसर्स लेवल में रहता है, आपको वो जो सारी चीजें हैं ऑफिसर्स में होते हैं, जो क्लेम्स वगैरह मैंने बताए यही एक्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो लीज वगैरह की चीजें आपको थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया रहता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। अगर आप SBI क्लर्क ज्वाइन करना चाहते हो, एग्जाम देना चाहते हो, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया हम जान लेते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 2021 में, उसकी मैंने कटिंग रखी है। यहाँ पे आपकी एज 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पे जो 21 है जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपका तो वहां पे आप कर सकते हो उसको 22 हो जाएगा, ठीक है ना। इस डेट को मत ध्यान में रखो, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी एज 20 या 28 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इस एज के बीच में आपको क्राइटेरिया होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हो। बाकी अगर आप SC ST या फिर दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे 5 ईयर का SC ST में मिलता है, 3 ईयर का OBC में, PWD में, अगर आप जनरल या EWS हो तो 10 ईयर का, या फिर बाकी आप देख सकते हो डिफेंस एक्स सर्विस मैन वगैरह सबके लिए मेंशन कर रखा है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मेंशन कर रखी है। और एक चीज और मेंशन कर रखी है नीचे, आप देख सकते हो, नो चेंज इन द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जब एक बार ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया, मान लीजिए आपने जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आप SC ST या फिर EWS या फिर किसी और कैटेगरी में हो, तो आप उस रजिस्ट्रेशन के बाद उस चीज को चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी फॉर्म फिल करो तो ये चीज सोच समझ के करना, क्लियर है। आई होप कि एज वाला क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया होगा। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। अगर एकेडमिक की बात करता हूं तो देखो 16/8/2021, इसको 22 कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन में ऐसे कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको क्या है कि जब भी आप एग्जाम वहां पे दे रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं मेंशन किया, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड एज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जैसे क्या होता है काफी बच्चे 10th के बाद कोई पॉलिटेक्निक कर लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया दे रखा है कि पॉलिटेक्निक को एज ए 12th काउंट किया जाता है, ठीक है, बट उसके बाद आप कुछ और जैसे होते हैं, आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काफी कुछ ऐसे डिप्लोमा या डिग्रीज होती है जिनको हम एज ए ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट काउंट करते हैं। तो आप वो चीजें अगर आपने की है तो आप एक बार चेक कर लेना कि उसको एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि एज ए डिग्री, ठीक है, ये चीज आप देख लेना। बाकी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने BCOM कर रखी हो या आपने BSc कर रखी हो
या फिर आप बीए हो या फिर आप बीटेक हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई भी हो, सब स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, ये क्लियर है। और यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर, जब भी आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, उसमें डेट मेंशन होगी। उसमें क्या है कि जब आपका फाइनल सर्टिफिकेट आता है ना, जैसे कि फाइनल सिक्स, जैसे अगर मैं बीएससी की बात करूं तो सिक्स सेम में अगर आपका फाइनल, जब सिक्स सेम का वो मार्कशीट आती है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी टोटल मार्क्स दिए होते हैं आपको पूरे सेमेस्टर्स को मिला के, या फिर आप डिग्री बोल सकते हो जिसको, तो उसमें जो पासिंग डेट है ना, जैसे आपकी डिग्री भी आती है कि आपने फर्स्ट डिवीजन से किया, सेकंड डिवीजन से किया, तो उसमें पासिंग डेट देख लेना, वो नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें मेंशन होगा, तो वो चीज होनी चाहिए। या फिर आप प्रोविजनल भी आपका चल जाएगा अगर आपकी डिग्री वगैरह नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखी है दोस हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन मे आल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट इफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड दे विल have to produce proof of having passing the graduation। मतलब कि जैसे कोई काफी बच्चे क्या है फाइनल ईयर में होंगे या फाइनल सेमेस्टर्स में होंगे, तो वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट इन केस जब आपको आप सिलेक्ट हो जाओ, तो उस कंडीशंस पे आप शो करो कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी आपके पास प्रोविजनल हो या फिर आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए, जब यानी आपकी पासिंग का कोई प्रूफ होना चाहिए। टाइम काफी बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा आप फाइनल ईयर के एग्जाम दे दिए और आपकी डिग्री आने में टाइम लग जाता है, उसी टाइम में नोटिफिकेशन भी आ जाता है, तो आप फिल कर दो, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिक्स सेम का तो रिजल्ट होता है ना, तो सिक्स सेम का रिजल्ट है तो अभी तो आपको पता लगा है पास हो चुके हो, तो वो फॉर्म वो वहां से उसका डेटा के अकॉर्डिंग आप फिल कर दो, और जब भी आप सिलेक्ट होगे, जब डीवी वगैरह होगा, तो आपका प्रोविजनल आप वहां पे दे सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आपकी डिग्री तब तक नहीं आई, तो आप प्रोविजनल बनवा के यूनिवर्सिटी से दे सकते हो वहां पे भी, तो वो चीजें भी चल जाएंगी। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। बाकी जो क्राइटेरिया है वो काफी अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हो, बट मोटा मोटा जो रफ है मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, क्लियर है ये चीज, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब बात करते हैं पैटर्न की। देखो एसबीआई कलर का जो एग्जाम है वो थ्री फेजेस में होता है। पहले होता है वो फेज वन, जिसको हम प्रीलिम्स एग्जाम भी काउंट करते हैं। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स कहीं भी काउंट नहीं होते। फिर आता है अगर प्रीलिम्स जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपको मेंस एग्जाम होता है आपका, तो मेंस एग्जाम ही फाइनल आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलता है कि मेंस एग्जाम में आप कितना स्कोर करते हो, उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर स्टेट्स में, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो उसकी कट ऑफ आती है। अगर वो आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका इजिली सिलेक्शन हो जाता है। फिर आता है डीवी और एलपीटी। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ठीक है, हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का हो जाता है। एलपीटी में देखो काफी स्टूडेंट्स के माइंड में थॉट रहता है कि एलपीटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछा जाता है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अभी रिसेंटली एलपीटी हुआ है, तो मैंने काफी स्टूडेंट्स से कंसर्न किया है। देखिए यहां पे क्या था कि काफी स्टूडेंट्स कोई हरियाणा से था, ठीक है, कोई कई अदर स्टेट्स था, उन्होंने गुजरात से भरा। मैंने तीन से चार स्टूडेंट से ऐसे पूछा था कि जो गुजरात से अप्लाई उन्होंने किया था, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज और कट ऑफ काफी स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि जहां पे वैकेंसीज ज्यादा है या फिर कट ऑफ वहां कम जाती है वहां अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने वहीं अप्लाई किया था। वो अदर स्टेट्स से थे, तो उनकी लोकल लैंग्वेज उनको नहीं पता थी इतनी, बट उनको बेसिक चीजें पता थी उनके बारे में, जैसे उन्होंने यूट्यूब से फिर कहीं से थोड़ा बहुत सीख लिया। जैसे बेसिक चीजें होती हैं, जैसे किसी को हिंदी नहीं आती, ये बेसिक चीजें होती है जो थोड़ा बहुत आपको समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसमें फ्लुएंट होने चाहिए या फिर बहुत फॉरवर्ड होने चाहिए, उस चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको वहां पे जब भी आपका एलपीटी होगा ना, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। बस आपको कुछ चीजें दी जाती है उसमें, अगर आप मान के चलिए अगर आप मेंस एग्जाम क्लियर करके आए हो ना, तो इजीली कर लोगे, तो एलपीटी की इतनी टेंशन नहीं लेनी है। बट आरबीआई का जो एलपीटी है, मैंने पीछे भी वीडियो बनाई थी, आरबीआई की एलपीटी और एसबीआई कलर के एलपीटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये चीज आप ध्यान रखो। और इसने भी मेंशन कर रखा है कि एलपीटी अगर नोटिफिकेशन देखोगे वहां पे मेंशन कर रखा है कि एलपीटी में जो क्वालिफाई नहीं होता उसको, मतलब जो पास नहीं कर पाता तो उसको डिसक्वालीफाई करते हैं, लेकिन जो एसबीआई कलर में कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट जितनी वैकेंसी है उसके अप्रोक्स होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि एलपीटी अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट से गुजरात से अप्लाई करना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि हरियाणा या फिर कहीं जिस स्टेट में वो रहते हैं उसमें वैकेंसीज कम है, ठीक है, और अदर स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं जहां वैकेंसी भी अच्छी है और कट ऑफ भी कम जाते हैं, तो बेझिझक करो, कोई दिक्कत नहीं है। एलपीटी के लिए आपको देखो जब रिजल्ट आता है उसके बीच में बहुत टाइम होता है, तो उस टाइम में बेसिक चीजें आप उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लुएंट आपको होना है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स का क्या प्रोसीजर रहता है। देखो प्रीलिम्स एग्जाम है और मेंस एग्जाम आप सभी को पता है ऑनलाइन होता है, ऑलमोस्ट सारे बैंक एग्जाम्स है ऑनलाइन होते हैं आपके, जो भी पर्टिकुलर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे उसी के बेसिस पे होंगे। प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करें, ये 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इसमें तीन आपसे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सबसे पहले इंग्लिश पूछा जाता है जिसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें सेक्शनल टाइमिंग होती है 20 मिनट, यानी सिर्फ 20 मिनट ही आपको इंग्लिश को करने को मिलेंगी, इसके बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। एग्जाम में सबसे पहले आपसे इंग्लिश ही
पूछे जाते हैं, फिर क्वांट देन रीजनिंग। सब फिर आपके सेकंड सेक्शन में आएगा, 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वांट के, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट्स आपको मिलेगा। फिर आपसे रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट। हाँ, ये सेक्शन वाइज यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सबसे पहले आप पेपर ओपन करोगे तो इंग्लिश खुलेगा, फिर आपके पास क्वांट खुलेगा, देन रीजनिंग। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में खुलेगा। जो टाइम आपको मेंशन कर रखा है उसी टाइम पे होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में कम देके क्वांट और रीजनिंग में ज्यादा दे सकते हो। यहाँ पे टाइम मेंशन है तो वो टाइम उसी के हिसाब से होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन एक मार्क्स का है, तो अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो 0.25 आपके मार्क्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यह 1/4 है, वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी रहेगी। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जितनी भी वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स है वो मेंस एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसीज सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी। तो कितने स्टूडेंट्स है हर एक कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज होगा, ये चीज देख लेना। जैसे मान लीजिए एसबीआई कलर की 6,000 या 8,000 वैकेंसीज आती है, ठीक है, यानी 80,000 स्टूडेंट्स है मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। तो प्रीलिम्स की तैयारी करते वक्त मॉक वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो मैं एक ही सजेस्ट करूंगा आपको, अपनी स्पीड प्लस एक्यूरेसी, और डेली बेसिस पे आपको मॉक देने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। क्लियर है, 1 घंटे का मॉक होता है, 1 घंटा एनालिसिस, 2 घंटे में पूरा प्री आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा फिर आप मेंस पे या फिर बाकी अपने वीक सेक्शन पे कर सकते हो काम। क्लियर है, तो ये चीजें आपको अभी से, अगर आप मॉक है ना प्रीलिम्स, अगर आप आज के टाइम पे अगर आप चाहते हो कि प्री आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉक। मॉक दो डेली जितना ज्यादा दे सकते हो, ऐसा नहीं कि एक दिन में 4-4, 5-5, मतलब मॉक का मतलब है एक मॉक दो डेली एग्जाम से पहले, यानी अब जब तक हमें हमारे पास नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आए हैं, और उसके साथ एनालिसिस करते रहो। क्या इससे क्या, एक तो आपकी स्पीड बनी रहेगी, साथ साथ आपके जो वीक सेक्शन है वो पता रहेगा, और जो चीजें आपको अच्छी हैं, यानी मान लीजिए आपका क्वांट अच्छा है तो डेली जो टॉपिक है, क्या होता है कि क्वांट में डेली आपसे नंबर सीरीज मॉक में पूछ लेंगे, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन पूछ लेंगे, या फिर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या प्रीलिम्स के डी आई या अरिथमेटिक के टॉपिक, तो हर एक टॉपिक को आपको इस किसी भी पर्टिकुलर डे पे करने का टाइम नहीं होता, और एक मॉक से वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका रिवाइज हो जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए मॉक पे मेनली आप फोकस्ड रखो। किसी भी, आप ऐसा नहीं है, देखो काफी स्टूडेंट्स मैं देखता हूं तो मैं एक चीज बार बार बोलता हूँ, यूट्यूब है ना आपका टोटली टाइम वेस्ट हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि एक अगर आप प्रीलिम्स के लिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके एक घंटे का सेशन देखते हो, वहां आपने 1 घंटे के सेशन में 15 क्वेश्चंस किए, जिसमें 5 सिंप्लीफिकेशंस के हुए, 5 नंबर सीरीज के कर लिए, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कर लिए, और उसी 1 घंटे में आप इजिली एक मॉक देख सकते थे और जिसमें आप 100 क्वेश्चंस कर सकते थे, और उसके बाद 1 घंटा और लगा के उस 100 क्वेश्चंस का अच्छे से एनालाइज करके आपका वीक सेशन फाइंड आउट कर सकते थे। क्लियर है, तो जितना ज्यादा हो सके प्रीलिम्स के लिए खुद के ऊपर रिलाय रहो, ना कि किसी और पे, और प्रीलिम्स के लिए मॉक पे और प्रैक्टिस पे भरोसा रखो। जो भी वीक सेक्शन है उसको इंप्रूव करो, उसके कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते तो देन आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको सारी चीजें आपको बेसिक्स आते हैं देन आप किसी भी सेशन को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेहनत आपको करनी है और आपको जो वीक सेक्शन है उसको आपको इंप्रूव करना है। तो वो सारी चीजें कहां पता लगी, मॉक एक बेस्ट सोर्स है जो आपकी वीक और स्ट्रॉन्ग पोर्शंस बताता है, जो आपकी गलतियां होती है रियल एग्जाम में, कहां क्या गलती करते हो सारी आप मॉक से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद प्रीलिम्स जैसे आप क्वालिफाई कर लेते हो, आपको आपसे कम मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में क्या होता है कि आपके 4 सेक्शंस रहते हैं। सबसे पहले जीए जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्शन जीए का करंट अफेयर्स पे रिलाय करता है। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और जो टाइम दिया जाता है आपको 35 मिनट दी जाती है, जो मोर देन सफिशियंट है, टाइम की तो आपको कोई इश्यू नहीं है। इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, 35 मिनट है, इंग्लिश के लिए मोर देन सफिशियंट टाइम है। फिर बात करते हैं क्वांट की, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स के और 45 मिनट है। यहाँ पे थोड़ा सा मेंस का क्राइटेरिया हो जाता है, तो मेंस में क्या होता है कि क्वांट का थोड़ा सा सेक्शन लेंथी होता है, यानी कैलकुलेटिव होता है, और कॉन्सेप्ट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए जो कट ऑफ है इतनी हाई नहीं जाती मेंस में। रीजन यही है कि वहां पे आपको जो लेवल है क्वेश्चन है वो चेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स में आपको स्पीड एक्यूरेसी देखी जाती है, मेंस एग्जाम में आपके कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है और आप किस तरीके से किस चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में हर एक क्वेश्चन क्वांट हो या रीजनिंग हो उसमें करने लायक नहीं होता। एक जो आर्ट होती है स्किप करने की, वो भी आपको आनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन ये करने लायक है और कौन सा स्किप करने लायक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। सेम रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात कर, देखो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का इतना सेक्शन आपसे नहीं पूछा जाता, तो मोस्टली आप मान के चलो कि रीजनिंग आपसे पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स आपको दी जाती है। क्लियर है, इसमें थोड़ा वो जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड, आप जब आप कोई भी मेंस का मॉक दोगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं। बाकी स्पेशलाइज्ड ऐसा नहीं कि स्पेशल ही उसमें कुछ अलग चीजें पूछी जाएंगी। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। सेपरेट टाइम जैसे प्रीलिम्स में था उसी तरीके से मेंस में भी आपको टाइम मिलेगा। मेंस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ बोलूं कि आपको ये चीजें स्ट्रॉन्ग करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेली करंट अफेयर्स को मत छोड़ो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो, और रीडिंग
इंग्लिश के लिए रीडिंग को मत छोड़ो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट दे सकते हैं क्योंकि ये 90 मार्क्स के सेक्शन है। ठीक है, क्वांट की बात करें और रीजनिंग की बात करें तो ये 110 मार्क्स के हैं, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में उतना आप स्कोर नहीं कर पाओगे जितना आप जीए और इंग्लिश में कर सकते हो, क्योंकि क्वांट में कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा होती है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट की नॉलेज भी चाहिए और आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, जो जीए में अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर न्यूज आपको पता है तभी आप इजिली उसको टिक कर सकते हो विद इन लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो अगर आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स करते हो, वीकली या मंथली रिविजन करते हो, और ये ऐसा नहीं कि एग्जाम प्री हो गए उसके बाद करें, नहीं, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उसी दिन से सोच लो आपको करंट अफेयर डेली करनी है। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स की अच्छे से रिविजन करो, कम से कम 2 to 3 बार का रिविजन होना चाहिए। अगर आप मेन्स एग्जाम देने जा रहे हो 2 to 3 बार रिविजन करो एक ही सोर्स से। काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर अगर मान लीजिए करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो 3 to 4 अलग अलग सोर्सेज को फॉलो करेंगे। मैं आपको कहता हूं कि कोई भी एक सोर्स को फॉलो करो, उसको 2 to 3 बार मल्टीपल रिविजन कर लो, क्योंकि न्यूज वही होती है, बस आपकी रिविजन पे डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को कितना बार आप रिवाइज करते हो। अगर आपका रिविजन है मल्टीपल टाइम्स हो जाता है तो उन्हीं से हर बार आप कुछ नई चीज सीखने को मिलती है और आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है वहां से आप अच्छा निकाल सकते हो, और साथ साथ इंग्लिश, क्योंकि ये दोनों है लिमिटेड टाइम में। आप 90 मार्क्स में से अगर 70 के अराउंड भी आप स्कोर कर लोगे दोनों को मिला के, या 70 छोड़ो 60 प्लस भी स्कोर कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। फिर आपको ज्यादा इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी क्वांटो रीजनिंग में, ऐसा नहीं कि बिना किए भी काम चल जाएगा। क्वांटो रीजनिंग 110 मार्क्स के हैं, इसमें आप कम भी करके भी चीजें चला सकते हो। ओवरऑल जो है 190 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे 40 मिनट का आपका पेपर रहेगा, 160 मिनट के अराउंड आपका पेपर रहेगा। क्लियर है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जीए और इंग्लिश को सबसे ज्यादा टारगेट कीजिए मेंस एग्जाम की। अगर आप प्रिपरेशन सबसे ज्यादा सोच रहे हो कि मेंस में मुझे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंग्लिश और जीए है आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं डिसाइड करता है, ये फैक्ट है, आप मानो या ना मानो, क्योंकि इन्हीं में काफी स्टूडेंट्स है जिनके आप देख से लेना स्कोर कार्ड में जीए में करंट अफेयर या फिर इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स देखने को मिलते हैं। और प्रीलिम्स का भी यही, काफी स्टूडेंट्स का फंडा क्या होता है कि वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं कर पाते, इसी वजह से उनका प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जो वीक सेक्शन है उसको फोकस करो, ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है या रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप पूरा दिन पजल डीआई या फिर वो ही चीजों पे फंसे हुए हो जो आपको ऑलरेडी आते हैं, वो नहीं करना है। जो भी आपका वीक सेक्शन है उसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। सबसे पहले करंट अफेयर्स को कभी मत छोड़ो। जब अगर आपने सोच लिया कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी में भी क्यों ना हो, किसी में हो, आज के सिनेरियो में जीए का जो सेक्शन है वो हिस्ट्री पॉलिटी से ज्यादा करंट अफेयर पे वेस्ट रहता है। ठीक है, बैंक में तो वैसे भी नहीं आती, बट करंट अफेयर्स को सबसे ज्यादा यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं वेटेज दी जाती है एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स को तो डेली करो, वीकली मंथली रिविजन करते रहो, एग्जाम से जस्ट पहले बूस्टर्स आते हैं उनका रिविजन करते रहो। ठीक है, और एक सोर्स से करो, मल्टीपल टाइम्स करो, मल्टीपल सोर्सेज पे जाने की बजाय उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ये मेंस का आपका ओवरऑल क्राइटेरिया। इसके बाद आपका पूछा जाता है एलपीटी। अगर मैं एलपीटी की बात करूं तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है आपका एलपीटी। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, मैं ओवरऑल मैं बता देता हूं, आप बाकी आप इसमें चीजें देख सकते हो। जैसे आपने प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किया तो उसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मार्क्स ऑब्टेन होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में वो नहीं काउंट होते सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वो इसीलिए काउंट होते ताकि जो भीड़ ज्यादा आती है बच्चों की उसको निकाल के जो अच्छे बच्चे हैं उनको मेंस एग्जाम में बैठाया जाता है। तो वहां से क्या है, फाइनल मेंस जो एग्जाम होता है उसके मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद आपका एलपीटी होता है। तो एलपीटी में ऑलमोस्ट चांस ये रहते हैं कि जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके अप्रोक्सीमेट ही कैंडिडेट रहते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भी काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा ये चीजें आपको देखनी है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, उसमें कोई ऐसा टॉप नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस वो लैंग्वेज आपको समझ आनी चाहिए, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जिस स्टेट से अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ लेना पहले से, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी ऐसा काम चल जाएगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर है, एक ये चीज और है, दोज हु क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन एंड प्रोड्यूस 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग द स्टडी द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी लैंग्वेज टेस्ट। इसका मतलब पता आपको क्या है, जैसे 10th और 12th में कोई भी, जैसे मैंने मान लीजिए मैं गुजरात के लिए मैंने अप्लाई किया, तो मैंने 10th या 12th गुजराती लैंग्वेज मेरा एज ए सब्जेक्ट रहा या फिर एज ए कोई भी पर्टिकुलर वहां पे देखने को मिला मेरी 10th या 12th की मार्कशीट में, तो वो चीजें वहां पे नहीं चलेंगी कि ये शो कर दो कि भाई मैंने गुजराती पढ़ी है पहले। आपको जो टेस्ट है वो एलपीटी का वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीजें तो वहां भी रहेंगी, टीवी और एलपीटी इसके अप्रोक्सीमेट, ये मान के चलिए अगर आपका मेंस के बाद जो सिलेक्शन का जो मार्क्स वगैरह आउट होते हैं अगर वहां हो गया तो आपके सिलेक्शन हो गए 99%। अब अगर आप लैंग्वेज में कोई गलती करते हो तो वो एक अलग चीज रहती है, वो बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है, तो एलपीटी के लिए कोई टेंशन नहीं है, जब भी एग्जाम होगा उससे पहले मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कहाँ। और एक चीज और है, ये वेरी करता रहता है, ऐसा नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जैसे आपने गुजरात से अप्लाई किया या फिर कहीं और से अप्लाई कर रहे हो हर जगह सेम ही चीजें देखने को मिले। जैसे एलपीटी अब की बार हुआ था तो वहां पे गुजरात में गया था आपको आरसी पूछा गया था,
ठीक है, आरसी दे दिया, उसे आपको 10 क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको 5 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट आपको बताने थे उसमें से, तो वो सिंपल था कि जो भी चीजें मेंशन की थी वही उठा के रखनी थी बस, ऐसा नहीं था कुछ भी एक्स्ट्रा अपने पॉइंट से ऐड नहीं करना था या कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी थी। जैसे होते हैं ना, जैसे 9th 10th या फिर होते हैं जब स्कूल में हमें पैसेज मिलता है हिंदी में, कि एग्जैक्ट वही चीजें उठा के हम पेपर में लिख देते, तो वही वाला क्राइटेरिया था। तो ये चीज रहती है, और हो सकता है कि कई अदर स्टेट में कुछ और क्राइटेरिया हो, कहीं और आरसी की जगह कुछ और न्यूज़पेपर आपसे पढ़वा लें, या फिर कुछ ऐसा चीजें हो सकती हैं, तो ये वेरी करता रहता है स्टेट टू स्टेट। बाकी इतना हार्ड कोई चीजें नहीं रहती जो आप इजिली कर सकते हो, अगर आपने मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया मतलब इतनी बेसिक सेंस तो है आपको, ठीक है, तो ये चीज आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आरबीआई का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने चीज मेंशन की थी कि आरबीआई और एसबीआई के क्लर्क के जो एलपीटी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आरबीआई में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज्यादा बुलाए जाते हैं एज कम्पेयर टू एसबीआई में, और एसबीआई में वैकेंसी जितनी होती है उसके अप्रोक्सीमेटली बुलाए जाते हैं, बल्कि आरबीआई में उससे बहुत ज्यादा बुलाए जाते हैं। तो आरबीआई में एलपीटी में निकालने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आरबीआई में आप ऐसा मत करना। फिर बात करते हैं सिलेबस की, अगर आपका एग्जाम आपको पता लगे सैलरी क्या रहेगी, पैटर्न क्या रहेगा, अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो एज यूजुअली मैं बताऊंगा आपको, इंग्लिश और सेक्शंस रहते हैं, चाहे आप पीओ की तैयारी कर रहे हो या बैंक में क्लरिकल की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये मानना है कि आपको सिलेक्शन डिसाइड करता है। क्वांट ऑफ रीजनिंग इतना आपका वेटेज रखते होंगे एग्जाम में, आउट ऑफ 170 क्वेश्चंस आपके क्वांट ऑफ रीजनिंग से पूछे जाते हैं, इंग्लिश में 30% के अराउंड पूछे जाते हैं, तो आप कहोगे कि हम उन दोनों टॉपिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इंग्लिश में हम अगर वीक भी हैं तो काम चल जाएगा। देखो ऐसा इसलिए है कि आप मान लिए एक पॉइंट के लिए प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। मैं एसबीआई पीओ के एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको देके समझाऊंगा। एसबीआई पीओ में क्या होता है कि आपको प्रीलिम्स का और मेंस का ऑलमोस्ट पैटर्न सिमिलर रहता है, वहां पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वगैरह हो जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो किसमें होता है, इंग्लिश में लेटर और एससे, ये इंग्लिश में होता है। फिर आपका इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में जीडी और ये जो सारी चीजें रहती हैं, पीआई पर्सनल एक्सरसाइज वगैरह जो पीई होता है, तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं ये चीज आपको पता है कि जो एसबीपीओ का इंटरव्यू है या फिर ग्रुप डिस्कशन है, यहाँ पे हिंदी में पॉइंट आप बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, आज का जो टाइम है, वो इंग्लिश को प्रेफरेंस देता है। यह चीज आप एक फैक्ट रियलिटी है, चाहे हम हमारी जो कह सकते हो कि हम हिंदी को हमें मतलब आगे प्रमोट करना चाहिए, ये चीज एग्री करता हूं आपके पॉइंट से, बट कहीं ना कहीं आज ये चीज है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ या कहीं चले जाओ, लोग इंग्लिश जो बोलने वाला होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू हिंदी, और ये फैक्ट है और ये रियलिटी है। चाहे आप इसके लिए कोई भी आर्गुमेंट आप दे सकते हो कि भाई नहीं, ये हमें इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हो, देने को तो सभी देते हैं, हिंदी में भी दे सकते हो, लेकिन होता है यार इंप्रेशन, वो कहीं ना कहीं वो चीज है आज के टाइम पे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप कुछ क्या कुछ आपको सोचते हो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ये एसबीपीओ की मैं बात कर रहा था, तो इंग्लिश है वो हर जगह हेल्प करती है। एक स्टूडेंट्स है जिसकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, वो आउट ऑफ 30-25 लेके आता है प्रीलिम्स एग्जाम में। क्वांट उसका एवरेज है वो मैं मान लेता हूँ कि 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करके जाता है, और रीजनिंग तो सबकी ऑलमोस्ट अच्छी होती है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं जिसकी रीजनिंग अच्छी ना हो, तो 25 मैं यहां से मान लेता हूँ, यानी कि 70 मार्क्स तो पीओ के पेपर में वो ले आएगा। कट ऑफ कितनी जाती है, अब की बार भी 63 गई थी जनरल कैटेगरी, क्लियर है, और अब की बार जबकि क्वांट का पेपर डिफिकल्ट था, तो 20 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे, कर सकते हो यार, नंबर सीरीज भी आती है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी रहते हैं, और डीआई इतनी भी टफ नहीं रहती कि करने लायक नहीं होती, तो 20 नंबर तो क्वांट में इजिली ला सकते हो। रीजनिंग में 25 नंबर में स्लोक्स भी पूछे गए थे, इनइक्वालिटी भी जब मैंने इसमें पीओ दिया था तो इनइक्वालिटी वगैरह भी पूछी गई थी, लेकिन इंग्लिश का जो सेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि इंग्लिश कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन का दिला सकता था वहां पे, ठीक है, ये चीज कहीं ना कहीं रहती है। अब इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो मेरा, मैं आपको चीजें बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपको ये चीजें देख लो, आरसी आपसे पूछा जाता है, आरसी में कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको जैसे हाईलाइट कर दिया, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग को हाईलाइट कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, बिल्डिंग को कर दिया, इसका एंटोनिम या सिनोनिम आपसे पूछ लेंगे, तो ये आरसी पे बेस्ड ही रहता है कि जो भी आरसी होता है उसी के अंदर कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर देंगे इस तरीके से बोल्ड एक्सेस में, तो उसको एंटोनिम या सिनोनिम आपसे पूछ लेंगे, तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर को एंटोनिम सिनोनिम की बुक उठा के बैठे, ऐसा नहीं है। बेस्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर ओवरऑल इंग्लिश को कवर करने के लिए डेली रीडिंग करो। अब रीडिंग वो कुछ भी हो सकती है, आपको न्यूज़पेपर आपको रीड करना है तो आप न्यूज़पेपर रीड करो, ठीक है, आपको चलो न्यूज़पेपर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको वो कैब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप आर्टिकल पढ़ लो या फिर कोई बुक पढ़ लो, ठीक है, कोई नॉवल पढ़ लो, कुछ भी, इसमें मोटा मोटा ये मेन पर्पज ये है कि आप पढ़ो, कुछ ना कुछ रीड करते रहो, उससे क्या है आपकी एक तो रीडिंग की हैबिट बनेगी, ठीक है, आप डेली रीड करो तो रीडिंग की हैबिट बनेगी, तो उससे क्या आपको अंडरस्टैंडिंग का आपका लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी चीजों को कैसे आप अंडरस्टैंड कर पाते हो, अगर मान लीजिए ओवरऑल उसका पर्पस ये जो इंग्लिश सेक्शन का है कि कोई भी चीज आपको दे रखी है उसका रीड अच्छे से कर लेते हो और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो, ये बेसिक इंग्लिश की नॉलेज आपको चाहिए। इसके साथ साथ आपको वोकैब चाहिए, वोकैब कहां से स्ट्रॉन्ग है,
न्यूज़पेपर से, द हिंदू को जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर से आप वो कैब अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको कोई भी अलग से सेपरेट बुक लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर बुक है रूट्स वर्ड्स आप याद कर रहे हो, वो आप कर लो। लेकिन टू बी होनेस्ट, अगर प्रैक्टिकली मैं उस चीज की बात करूं कि वोकैब्स की अगर मैं बात करूं तो लिमिट नहीं है, कितनी भी वोकैब हो सकती है दुनिया में, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो एग्जाम आता है अपन द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन से, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाओ उस चीज को। द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को आप रेगुलरली, अगर लेफ्ट साइड में दो छोटे आर्टिकल्स आते हैं और सेंटर में दो बड़े बड़े आर्टिकल्स रहते हैं, ये लेफ्ट वाले दो आर्टिकल डेली करो, इसमें जो भी वोकैब है उसको वहीं देख के उसी पे नोट डाउन कर लो। अगर आप ऑनलाइन फॉर्मेट में कर रहे हो तो वहीं सर्च करके उसका मीनिंग देख ले, उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्यों बता रहा हूं, देखो मैं डेली द हिंदू पढ़ता हूं, उसमें काफी वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर वीक में बहुत बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, और उस रिपीटेड क्या है वो कैब, जब आपने उसको पढ़ोगे तब आपको याद आएगा कि ये मैंने शायद मंडे को पढ़ा था, ट्यूसडे को पढ़ा था, तो उसका मीनिंग ये रहेगा। तो काफी वर्ड्स ऐसे थे जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर बार कोई नया वर्ड ही आपको देखने को मिले, और जब आप नोट करने लग जाओगे तो एक बुक बन जाएगी आपकी, ठीक है। डेली आप इजीली द हिंदू से 10 से 20 वो कैब निकाल सकते हो, लेकिन उसको नोट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। एक पर्टिकुलर मंथ में मैं मान के चलो 500 के वो कैब हो जाएंगे, तो मान लीजिए आपने जनवरी में 500 वो कैब नोट कर ली, फरवरी में 500 कर ली, तो अब आप उनका रिवीजन कब करोगे? आप मुझे बताओ कि उनका रिवीजन कब करोगे? उनके लिए तो फिर स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना, सिंपली जो भी आए उसी को वहीं सर्च करके पढ़ लो, अगर ऑनलाइन फॉर्मेट में पढ़ रहे हो, अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो उसके ऊपर लिख लो, बस इतना ही है। उसके अलावा उसको कहीं नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिपीट हो जाएगा। रीडिंग के लिए डेली फॉलो करो, एटलीस्ट आप दो आर्टिकल्स तो पढ़ो ही पढ़ो, आर्टिकल नहीं तो बुक के 3 से 4 पेज डेली रखो, उसमें जो वोकैब्स होती हैं उनको अच्छे से समझो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्शंस है वो इंग्लिश का, यहाँ पे रीडिंग की स्किल्स पे बेस्ड रहता है कि आप चीजों को समझ कितना अच्छे पाते हो इंग्लिश को। उसकी वोकैब क्योंकि आरसी रहता है जो करीबन अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये एक फिक्स है कि आपका आरसी पूछा ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो 7 से 8 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाते हैं, इनफैक्ट 10 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा एंटोनियम सिनोनियम इसी में आ जाता है, कभी इससे वो कैब पूछ लेते हैं, तो एक सेम ही चीज है, वो कैब पूछ लेंगे, नहीं सिनोनियम हो गया, वो क्लोज टेस्ट है कहीं ना कहीं, वो कैब का एक पार्ट रहता है। आपको ब्लैंक्स दे देंगे, पर्टिकुलर पूरे पैसेज दे देंगे, उसमें कुछ वर्ड मिस कर देंगे तो उसके आप ऑप्शंस दे देंगे, भाई ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में आएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अगर आपकी रीडिंग की स्किल्स अच्छी है तो आप उन सेंटेंस को कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, फिलर्स हो गए, तो ये भी वोकैब पे बेस्ड है। तो वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर का यूज होता है आपके एरर्स वगैरह में, एरर डिटेक्शन वगैरह में, लेकिन उसका इतना यहाँ पे वेटेज नहीं रहता एज कम्पेयर टू अगर आप रीडिंग की बात करोगे। पहले अपना रीडिंग की स्किल्स को इंप्रूव करो, वो कैब धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो डेली रीड करो, जितना ज्यादा हो सकता करो, इसके अलावा उन चीजों को क्या है, आप वो कैब्स वगैरह है उनको साथ साथ करते रहो, और आप मॉक से मत डरो, इंग्लिश का मॉक है, डेली जब फुल मॉक लगा उसको एनालाइज करो, अच्छे से एनालाइज करो आपकी जो भी वीक सेक्शन है, पहले रीडिंग वाले सेक्शन को इंप्रूव करो, अप्रोक्सीमेटली रीडिंग से ही आपके 20 marks out of 30 इजिली आपको देखने को मिल जाएंगे, अगर आप डेली रीडिंग को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देते हो। तो इंग्लिश में एक बार अगर 20 आउट ऑफ 30 आ जाए, आप ग्रामर को थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक चीज आप सीख सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि इस अगर ग्रामर पढ़ोगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ग्रामर को अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को चीजें समझ नहीं आती, जब आप इंग्लिश को न्यूज़पेपर्स को रीड करने लग जाओगे ना तो ऑटोमेटिक आप सेंटेंस फॉर्मेशन समझ जाओगे, अच्छे से एक एक चीज आप समझ जाओगे। काफी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंग्लिश को पढ़ते वक्त उसमें हमें जैसे कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसमें पहले ये देखना पड़ता है ये नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल जैसे आप पढ़ते आ रहे हो अभी तक बचपन से लेके अब तक, जो भी चीजें जैसे आप पढ़ते हो उसी तरीके से पढ़ो, ओवरऑल उसका सिनेरियो आपको समझ आना चाहिए, किस पे बेस्ड है, किसके बारे में डिस्कशन कर रहा है, क्या क्या पॉइंट इसने वैलिड रखे हैं, क्या क्या इसने चीजें बोले हैं, तो वो यहाँ पे फैक्ट कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्लियर है। तो इंग्लिश को सबसे ज्यादा आपको रीडिंग को यहाँ पे आपको पार्ट को रखना है, जितनी ज्यादा हो सके यहाँ पे भी मेंशन है, बिल्डिंग ए हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन डेली वुड बी ए ग्रेट हेल्प, यानी कि बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगी, यही कहीं ना कहीं एक मेन पॉइंट है इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने का, क्लियर है। अब बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट एज यूजुअली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसके बारे में कुछ काफी कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखो अगर क्वांट को स्ट्रॉन्ग करना है ना, सबसे पहले अर्थमेटिक करने से पहले भी आपको बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी, अर्थमेटिक के ना अलावा भी बेसिक क्या होता है, जैसे स्पीड का कैलकुलेशन स्पीड, अब कैलकुलेशन में क्या है टेबल्स पढ़नी पड़ेंगे, एटलीस्ट 1 से लेकर 25 तक आपको टेबल्स आनी चाहिए। अगर मैंने आपसे पूछा 21 6 कितने होते हैं, आप ये ना सोच 6 कम 6 12 126 होते हैं, ऐसा नहीं बोला,
मैंने बोला 21 into 6 यानी 126, आपके माइंड में डायरेक्ट ये चीजें आनी चाहिए। इसमें क्या हेल्प करेगा, इससे क्या है, आपके एक तो सिंप्लीफिकेशन से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। नंबर सीरीज में हेल्प कैसे करेगा कि जो डिफरेंस होता है ना वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन का खेल ही होता है, या फिर कई बार स्क्वायर और क्यूब का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो यानी वो डिफरेंस निकालने में भी आपको कम टाइम लगेगा। तो कैलकुलेशन को इंप्रूव करो, टेबल्स रखो, स्क्वायर आपको करने पड़ेंगे, क्यूब्स आपको करनी पड़ेंगे। स्क्वायर और क्यूब्स है, जैसे स्क्वायर है 1/30 तक कर लो आप, 1 से लेके 30 तक, और क्यूब 1 से लेके 20 तक। बाकी इनकी ट्रिक्स है अब तो 100 तक, वो आपको बेसिक याद होनी चाहिए बस। ट्रिक इतनी अप्लाई नहीं कर सकते, बट जितना याद कर सकते हो एटलीस्ट अगर आप 30 तक तो सभी कर सकते हो ना, तो बाकी ट्रिक याद कर लो, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। बट ये नहीं कि ऐसा नहीं 150 तक आप याद कर रहे हो या 100 तक, देखो वो चीजें पॉसिबल है, लेकिन आप इतना बर्डन मत डालो, इनिशियली 130 तक करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे काफी कुछ क्या होते हैं, स्क्वायर ऑटोमेटिक आपके माइंड में रिपीट होते हैं। जैसे 5 का है, 5 के जिसका यूनिट डिजिट होता है 75 है, तो 5 को स्क्वायर 25 होता है, 8 नहीं में बेहतर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 8 7 56 हो जाएगा, यानी 56 25 हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रिक्स होती है बेसिक, आपको पता है ओरली आप कर सकते हो, तो ये सारी चीजें रहती है। क्यूब हो गई, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू। जैसे अगर आपके माइंड में 12 1/2% आया, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, 1/8, क्लियर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर ये चीज आपको पता है तो आप इजीली चीजों को कर सकते हो। जैसे 62.5%, ठीक है, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या रहेगी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये फ्रैक्शंस वैल्यू आपके सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करती है, इंडिविजुअली अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में करती है, इनफैक्ट डीआई में भी आपकी काफी हेल्प करती है, ये चीज आपने भी ऑब्जर्व की होगी, क्लियर है ये चीजें। तो ये एटलीस्ट आपको बेसिक पहले सीखना पड़ेगा अगर आप अर्थमेटिक सीखना चाहते हो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि काफी कुछ चीजें हैं जो क्वांट में, आपको प्रीलिम्स एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले प्री का हम फोकस करते हैं। प्री में अगर आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया या फिर अप्रोक्सीमेशन हो गया, इससे आपके क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं हर एक प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे एसबीआई पीओ हो, क्लर्क हो, एबीपीएस पीओ क्लर्क हो, आरआरबी पीओ या क्लर्क हो। इसके बाद नंबर सीरीज होती है, दोनों टाइप की मिसिंग या रॉन्ग। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं, इसमें से दो टॉपिक्स से हर बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं तो 10 क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इसी से हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर आती है डीआई। डीआई में क्या होता है कि सिंप्लीम्स में क्या होता है, सिंपल डीआई आपसे पूछी जाती है, अर्थमेटिक की डीआई नहीं रहती है, उसमें आपके बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या फिर पाई चार्ट, सिंपल आपको डेटा दिया होगा, कई बार क्या होता है 2 डीआई इसी से पूछ लेता है, ठीक है, 10 क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, क्लियर है। और कई बार क्या होता है इसमें एक कैलकुलेट भी डाल देता है आपके साथ, तो 5 क्वेश्चन उससे पूछ लेता है, तो 25 इनसे हो जाते हैं और 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहते हैं। इस तरीके से 35 क्वेश्चन का आपका टारगेट रहता है, ये प्रीलिम्स एग्जाम है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपको डीआई करनी है तो उसमें परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह के जो टॉपिक्स है उनको आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्लियर है। मेंस की अगर बात करें, वो मेंस से इससे काफी अलग है। मेंस में अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, एज यूजुअली मैंने पहले भी बोला था, अगर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है तो स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करो, प्रीलिम्स के मोक लगाओ, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो, वीडियोस के मत देखो, प्रीलिम्स की वीडियो देखोगे तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं आप खुद ही रोक रहे हो उसको, ठीक है, ये फैक्ट है। जितनी ज्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे उतना इसका फायदा रहेगा आपको। अब मैं मेंस की बात करता हूँ, मेंस में जितने भी आप यहाँ पर टॉपिक देख रहे हो इनके बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, क्लियर है। बेसिक इन द सेंस इनके बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे टाइम एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो अब इस पे ये क्वेश्चन, ये जितना फॉर्मूला शॉर्ट दिखता है उतना है नहीं, इससे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, बहुत सारी इक्वेशंस बन के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो हर एक जो ये टॉपिक है इनके बेसिक सीखो पहले कि कैसे होता है। जैसे एलिगेशन है तो इसमें एलिगेशन मेथड होता है कि चीपर डीआरआर, यहाँ पे मीन वैल्यू होती है, तो ये इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रेशियोज आपके आते हैं, तो ये सारे क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्लियर है। ये अगर आपको पता है तो फिर आप चीजें और इजीली आप कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं मुझे बताइए। तो ये अगर आपको बेसिक्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखो कि बेसिक्स जितने ज्यादा आपके स्ट्रॉन्ग होंगे मेंस में आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। प्रीलिम्स में अर्थमेटिक को इतना आप टारगेट मत करो, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है, अगर पीओ लेवल की मैं बात करूं, पीओ में आपने देखा एसबीआई पीओ का जो पेपर हुआ था 2021 में, मेंस की जो प्रीलिम्स की जो डीआई थी वो काफी कैलकुलेटिव थी, काफी बच्चे अर्थमेटिक तक पहुंच भी नहीं पाए थे, और आउट ऑफ 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ऐसे होते हैं जिसमें 2 से 3 तो हर बच्चा कर लेता है, तो इतना उसमें प्रीलिम्स के अगर मॉक दे रहे हो तो उसमें अर्थमेटिक का इतना टारगेट मत करो। बेसिक चीजें आप ऑलरेडी मेंस के लिए पढ़ रहे हो, और सबसे ज्यादा मैं बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मान लीजिए आप टाइम एंड वर्क टॉपिक कर रहे हो या फिर कोई भी आप कर रहे हो, चाहे बोर्ड एंड स्ट्रीम कर रहे हो, मिक्स एलिगेशन, पहले इसके बारे में इसके बेसिक चीजें सीखो, ठीक है। बेसिक इन द सेंस कि इसका फॉर्मूला क्या है,
ये इसको किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं, इसको दो मेथड से सोल्व करते हैं, यानी वन अपॉन कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लेते हो जिससे इस तरीके से, तो वहां से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक एलसीएम और मेथड होता है जिसमें इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, ठीक है, और फिर उससे आप एफिशिएंसी निकालते हो। तो ये दोनों मेथड्स आपको पता होना चाहिए। अब इंप्लीमेंट आपके ऊपर करता है कि आपको कौन सा अच्छे से समझ आता है, कम टाइम में कौन सा कर सकते हैं। इसके बाद इसके बेसिक कर लिए, आपने क्या करो इसके क्वेश्चंस लगाओ। अब क्वेश्चंस के लिए कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, गूगल करो, टेलीग्राम पे इतने चैनल्स अवेलेबल हैं, इतने ग्रुप्स हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। एटलीस्ट इस टॉपिक से 50 क्वेश्चंस लगाओ। अब काफी बच्चे क्या कहेंगे कि लेवल वन के लगाएं या टू के लगाएं या लेवल थ्री के लगाएं। देखो क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, एक बार किसी लेवल के लगा लो, वन के लगा लो, टू के लगा लो, थ्री तक आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स में थ्री लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आप कहोगे मेंस में पूछे जाएंगे, मैं मेंस का आपको बताता हूँ। ये टॉपिक कर लिया आपने बेसिक्स के लिए, इसकी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर ली, अब आ जाओ इसकी डीआई पे। कोई भी टॉपिक है चाहे आपका कितना भी वीक हो, ठीक है, एक बार उसकी डीआई कर लो, एक बार उसकी डीआई अच्छे से कर लो, क्योंकि डीआई में कभी भी आपसे ये नहीं बोला जाएगा जैसे ए इस काम को 15 दिन में करता है, बी इस काम को 20 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्या है, ये प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दी जाती है, जिसमें ए की वैल्यू भी होती है, बी की भी होती है, और ए दोनों का करके हम निकाल लेते हैं। ये हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं, हमें ये सारी चीजें पता है। लेकिन मेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वहां पे आपको ग्राफ दे देगा, ठीक है, अलग अलग पर्सन दे देगा, इसके अलावा उनके एफिशिएंसी के रेशियोज दे देगा, वेजेस दे देगा उनके कि एक पर्सन ए को इतना वेज मिलता है अगर वो इतना काम करेगा। तो उसमें आपके क्या है, कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज चाहिए, आपको क्वेश्चंस घुमा के देता है। तो उसमें क्या है, आपके पॉसिबिलिटी होती है भाई किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो आप इजीली कर लो। उस टॉपिक को पूरा निचोड़ दिया जाता है, जैसे गन्ने को मशीन में निचोड़ते ना, उसी तरीके से उस टॉपिक को पूरा निचोड़ा जाता है। वो गन्ने की जो मशीन होती है वो डीआई के बराबर है। अगर मेंस की डीआई कर लोगे, यानी कि पूरे कॉन्सेप्ट को आप निचोड़ देते हो, वहां पे पूरे टॉपिक को आप अच्छे से निचोड़ के, आपको फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रीलिम्स तो छोड़ो, मेंस में भी अच्छे से कर पाओगे। तो उस टॉपिक की कम से कम 3 से 4 आप डीआई लगाओ। अब कंटेंट कहाँ मिलेगा, एंट्री की ऐप है फ्री, बहुत सारे स्टडी कार्ड पड़े हैं, मैंने खुद देखे थे, काफी अच्छे लेवल के हैं। अगर वहां से करने हैं तो वहां से करो, अदरवाइज गूगल कर लो, गूगल पे आपको सब कुछ मिलेगा। वो कहते हैं ना, गूगल पे बोलते हैं ना, एक बार बोलने से सब मिलता है, तो वही चीज है। गूगल पे बोलो कि मुझे मेंस की डीआई दे दो, टाइम एंड वर्क के आपको बहुत सारी डीआई मिल जाएंगे। क्लियर है पॉइंट कि किसी भी टॉपिक को करने का क्या तरीका होना चाहिए। और ये फैक्ट है, अगर आप प्रीलिम्स के कितने भी क्वेश्चन लगाओ, काफी स्टूडेंट्स के साथ होते हैं कि बोलेंगे हमने बेसिक सीख लिया और प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी लगा लिए हमने, और जब हम करने जाते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन हम भूल जाते हैं कि कैसे करना है, या फिर वो हमसे हो नहीं पाते। तो एक बार डीआई लगा के देखो, 3-4 डीआई उससे करो, और फिर मुझे बताना कि आपको क्या वो चीजें नहीं हुई। और डीआई देखो, ये ऐसा नहीं है कि डीआई पे सीधा सॉल्यूशन देगा, खुद आप थोड़ा चीजों को सोचो, ऑब्जर्व करो कैसे होती है, फिर उसको आप बताओ। काफी कुछ चीजें हैं, और 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे काफी स्टूडेंट्स घबराते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी भी इसी के अंदर है, और मेंचुरेशन। इन तीनों टॉपिक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, इनको स्किप मत करो, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इनसे कभी ना कभी एक ही क्वेश्चन दोनों से पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली से देखने को मिलते हैं, ठीक है, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी और इससे मेंचुरेशन से। मेंस में हो सकता है कि आपसे डीआई पूछ ले पूरी 5 क्वेश्चंस की, तो मेंस में हर एक क्वेश्चन आपको पता है अटेम्प्ट करने लायक नहीं होता, स्किप करना होता है। तो हो सकता है कि वही अगर आपने टॉपिक छोड़ा वो बहुत इजी लेवल की हुई, तो वो भी आप कर लो, ठीक है। तो टॉपिक कोई नहीं छोड़ना, अच्छे से करो, और अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि जनवरी में जो टाइम आपके पास होता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अराउंड जो टाइम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है पूरे साल के प्रोबेशन में, क्योंकि इसके बाद तो एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे आपके प्रीलिम्स हो, एसबीए कल रखो, पीओ आ जाएगा, आरआरबीज के एग्जाम होंगे, 8th शायद अगस्त के अराउंड तो आपके आरआरबी स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद आईबीपीएस के स्टार्ट हो जाएंगे, तो टाइम नहीं मिलेगा फिर आपको, ठीक है। फिर आप ये मत सोचना कि मेरे कॉन्सेप्ट रह गए, वो कॉन्सेप्ट रह गए, मैं नहीं कर पाया, तो सारी चीजें वहां पर नहीं मिलेंगी, क्लियर। तो ये आपको क्वांट का पूरा रहेगा। प्रीलिम्स के लिए मॉक दो एज यूजुअल, और मेंस के लिए आप क्या करना, डीआई लगाते रहो, ठीक है, डीआई पे फोकस करो। और इसके अलावा जो बाकी जैसे टॉपिक होते हैं, काफी स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर डेटा सफिशिएंसी, देखो अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना किसी भी टॉपिक की, तो आप डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस में कभी नहीं फंसोगे, क्योंकि उसमें आपको डेटा निकालना नहीं होता। सफिशिएंसी का मतलब होता है डेटा क्या हो सफिशिएंट, आपको ये देखना कि पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट में जो डेटा दे रखा है उससे मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है। आपको ये होता है कि आपके पास गाड़ी है, आपके पास ड्राइवर है, क्या आप उस जगह पहुंच पाओगे कि नहीं, तो बिल्कुल पहुंच जाओगे, बट किसकी, दोनों के हेल्प से, ठीक है ना, किसी एक की हेल्प से, गाड़ी अकेले नहीं चली जाएगी ना ड्राइवर अकेला जाएगा। तो ये पॉइंट क्या है, वही होता है कि कौन कौन सा डेटा आपके लिए सफिशियंट है, तो ये चीजें आप वहां से कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो। प्रीलिम्स आपका अर्थमेटिक को इतना ना टारगेट करके मॉक को प्रैक्टिस पे रखो, स्पीड और एक्यूरेसी पे रखो,
मेंस में बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, बिना एथमेटिक का मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, और क्वांट में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो क्लरिकल लेवल में। अब बात करते हैं रीजनिंग के, तो रीजनिंग है वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है, जैसे मैंने मेंशन किया है, जो आपका क्या चीजों के बारे में सोचते हो, कैसे उन चीजों के ऑब्जर्वेशन आपके रखती है, कैसे कोई भी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो, वो कहीं ना कहीं आपके थॉट और आपकी जो क्रिटिकल कह सकते ना एबिलिटी होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वो होता है पजल एंड सीटिंग एजेंट, जिससे अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यानी चार सेट पूछे जाते हैं पांच पांच क्वेश्चन के, जिसमें दो पजल दो सीटिंग अरेंजमेंट हो सकती हैं। पजल्स होती हैं जैसे आपके फ्लोर बेस्ड हो गया, ठीक है, और इसके अलावा मंडे जो आपके डेज बेस्ड हो, मंथ बेस्ड हो गया, इसके अलावा आपके ये जो सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं सिंगुलर पैलर, ये बहुत सारी रोज बेस्ड भी होता है, सिंगल रोड पैलर रोज, तो ये बहुत सारे आपको पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट टाइप मिलेंगे। प्रैक्टिस करोगे तो इसमें क्या अपना टाइम बचा सकते हो, प्रैक्टिस का खेल है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा किसी की कॉन्सेप्ट की नॉलेज की जरूरत पड़े। एक बार आपने सीख लिया कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, किसी को कंडीशन नोट के करके करना है, किसी को पॉसिबिलिटी ज्यादा लेके करना है, जिस भी सिचुएशंस में आपको लगे कि हाँ मुझे इससे मेरा कम टाइम में हो रहा है उसी से करो, किसी की मत सुनो कि ये वो बोल रहा है कि इस मेथड से कम टाइम में होगा या वो ऐसे बोल रहा है। आपको अपने हिसाब से देखनी चीजें कि कितना आप कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पा रहे हो, ठीक है, उस पर फोकस रखो, ना कि ये देखो कि वो टीचर बोल रहा है कि इसको तरीके से करो तो ही आप कम टाइम में कर पाओगे। वो सबका अपना अपना क्राइटेरिया होता है, सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं, किसी को भी आप किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि वही स्ट्रेटेजी आप पे भी अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो हर एक चीज है, कभी क्या होता है कि जो नॉर्मल गाड़ियां होती है नॉर्मल फ्यूल से चलती है, लग्जरियस गाड़ियां काफी जो दूसरे टाइप का फ्यूल होता है उससे भी चलती है, ठीक है, तो ये वेरी करता है। ऐसा नहीं है एवरेज स्टूडेंट क्या है कि किसी बेसिक मेथड को पकड़ देता है, उसी से अपने शॉर्ट मेथड निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने काफी बार एग्जांपल दिया, एक इंसान है, मान लीजिए आप नए नए घर में शिफ्ट हुए, वो घर आपका फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, और आप डेली आपको सीढ़ियों से जाना है, लिफ्ट नहीं है वहां पे, आप डेली सीढ़ियों से जाते हो, तो आप डेली क्या करते हो, फर्स्ट टाइम जब जाते हो एक एक सीढ़ी चढ़ते हो, क्योंकि आपको पता है क्या पता आप गिर जाओगे, इसलिए आपके मन में डर रहता है, आपको एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, तीन महीने हो गए, चार महीने हो गए, अब आप डेली इन सीढ़ियों से आते जाते हो, तो आपको क्या है, आपको पता लग गया कि भाई मैं यहाँ डेली जाता हूं, तो मुझे पता है मैं उसमें चीज में क्या एक्सपीरियंस्ड हो गया, तो आप क्या करोगे, पहली सीढ़ी पे पैर रखा, तीसरी पे, तीसरे से पांचवीं, छठी, सातवीं, इस तरीके से हम अपने घर में भी तो करते हैं ना यूजुअली, तो ये क्या होता है, हमने स्टेप स्किप कर दिया। सेम ये जो मेथड है ये आप क्वांट में अप्लाई करो, कोई भी क्वेश्चन है पहले उसके बेसिक सीखो कि वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है, फिर उसके स्टेप खा जाओ बीच से, खा जाओ इन द सेंस की कैलकुलेशन को शॉर्ट कर दो, या फिर कुछ पार्ट को आपको पता है इसको इस तरीके से करने पे ऐसे होगा। जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन के स्टेटमेंट है, मान लो एक ए है इस काम को 15 दिन में करता है, बी इस काम को 20 दिन में करता है, आपको ये पता है इन दोनों का आपको माइंड में आपको पता लगा, ए 15 दिन में करा, बीस 20 दिन में, इन दोनों का एलसीएम अपने माइंड में लिया, 20 और 15 का आ जाएगा 60, तो इसके एलसीएम 4 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3, 4, 3, 7, 60/7, यानी ये आप इसके सीधे माइंड में आप ये लिखोगे 7, 8, 56, 4, यानी इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा, आपके माइंड में ये चीजें होंगी। ये कब होंगी, जब आपने इन चीजों को बेसिक तरीके से आपने सीखा होगा, क्लियर है। तो यही सेम चीज है, पहले बेसिक्स को सीखो, फिर आप पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट अपने हिसाब से देखते चलो कि कैसे क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस आपकी डिपेंड करता है, आपकी चीजों को जो प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक आ जाएंगे, इसमें वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। जितनी आप करते हो 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 35 इसी से पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन डिस्टेंस डायरेक्शन ये अल्टरनेट रहता है, इनसे कई बार दो तीन क्वेश्चन दोनों टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं मिला के, या फिर इनफैक्ट एक टॉपिक से दो क्वेश्चन, एक से तीन करके पांच क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सिलोग्स और इनइक्वालिटी अल्फा न्यूमेरिक, इन चार टॉपिक से कहीं ना कहीं दो टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार, यानी कि करीबन क्या होता है कई बार 8 से 9 क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से होते हैं, और एक क्वेश्चन होते हैं वर्ड बेस्ड, जैसे आपको दे दिया जाता है, मैंने मान लीजिए कोई एक वर्ड दे दिया, यहीं से कोई उठा ले, जैसे रीजनिंग उठा लो, ठीक है, रीजनिंग एक वर्ड दे देंगे आपको, बोलेंगे कि इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड में देखो कि इनके जो इनके बीच का जो स्पेस है उतना ही क्या इनके अल्फाबेट जो आपकी सीरीज होते हैं उसी में है, तो इसी पे बेस्ड भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, बहुत बार कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, तो ये इसी से रहते, तो इस तरीके से आपका ओवरऑल डिजाइन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। मॉक दो डेली, 3 से 4 सेट मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करते रहो, 4 सेट डेली आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, आपको कुछ अलग से उसके लिए नहीं करना, ऐसा नहीं कि डेली 10-10 पजल सीटिंग अरेंजमेंट करो, डेली एक मॉक लगाओ, उसमें 20 क्वेश्चन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के जरूर मिलेंगे, वो मोर देन सफिशियंट है डेली के लिए आपके, क्लियर है। ब्लड रिलेशन डिस्टेंस डायरेक्शन कोडिंग डिकोडिंग स्लोक्स अल्फा न्यूमेरिक इनइक्वालिटी आउटपुट इनपुट आउटपुट ये मेंस में रहता है मोस्टली, स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन वो मेंस के रहते हैं, तो वो चीज आपको मेंस के लिए अलग से करनी पड़ेंगी।
क्रिटिकल रीजनिंग है, मेंस के लिए उसको फोकस करो, क्योंकि ज्यादातर आप मेंस में पजल ना सोल्व करके उन चीजों से अच्छे मार्क्स आप ले सकते हो, क्लियर है। अब बात करते हैं जीए की। ये एक ऐसा सेक्शन है जो ओवरऑल आपका फाइनल्स कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुका देता है और करवाता भी है। इंग्लिश के साथ साथ आपको जीए को प्रिपेयर करना है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डेली करंट जो न्यूज है उनसे कितना अपने आप को रिलेट कर पाते हो, क्योंकि आज के टाइम आपके पास पास क्या हो रहा है, किसने किसको लोन दिया, कितना लोन दिया, किस पर्पज के लिए लोन दिया, वो सारी चीजें, कौन सा इवेंट हुआ, उसका थीम क्या था, उसका वेन्यू क्या था, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैंक में अगर एसबीआई ये चाहता है कि जिस भी इंप्लॉय को वो हायर करें वो ऐसा ना हो कि लेजी हो, उसको ये नहीं पता उसके आसपास क्या चल रहा है, बैंक में क्या चल रहा है, तो उसको वैसा इंप्लॉय नहीं चाहिए। उसको ऐसा चाहिए जो आसपास जो भी होने वाली सिचुएशंस है वो उसको सब कुछ पता होना चाहिए, बैंक में क्या चल रहा है उसको वो पता होना चाहिए, इसी तरीके से उसकी लाइफ में या फिर उसके पर्टिकुलर कंट्री में या वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको पता होनी चाहिए, यानी हर चीज के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एसबीआई का एक कहीं ना कहीं पॉइंट है यहाँ पे। तो करंट अफेयर्स को आपको डेली करना पड़ेगा, मोस्टली टारगेट करो करंट अफेयर्स में बैंक से रिलेटेड न्यूज, अब चाहे वो किसी को लोन देने से हो या किसी प्रोजेक्ट पे हो या फिर कोई स्कीम लॉन्च हो रही हो, इस तरीके से हो, चाहे वो वर्ल्ड न्यूज भी हो सकती है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई पर्टिकुलर का प्रेसिडेंट है वो कहीं जैसे इंडिया में आया है, ठीक है, तो वो चीज हो गई, या फिर किसी भी पर्टिकुलरली इंडिया के किसी की पर्टिकुलर इंटरनेशनल में कहीं कोई रिलेशन बन रही है, जैसे ओकास वगैरह था ना, ऑस्ट्रेलिया यूके, इस तरीके से कोई पीछे हुआ था रिसेंटली मैंने पढ़ा था, यूके जापान वगैरह, इसमें फोर स्क्वाड था, इस तरीके से क्वाड क्वाड करके ऐसा कुछ नाम दिया गया था, ठीक है, जिसमें चार पर्टिकुलर कंट्री थी और किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे वो काम कर रहे हैं। अब वो चीज मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट वो क्या है, इसमें इंडिया कहीं ना कहीं लिंक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की न्यूज के ऊपर आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रिलेट करो अपने आप को, ताकि वो क्या है, वो चीज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्लियर है। तो वर्ल्ड न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड को छोड़ सकते हो, कंट्री या पर्टिकुलर अगर कोई भी कंट्री न्यूज में आ रही, जैसे ऑस्ट्रेलिया आई है क्वाड में, जापान आई थी, ठीक है, एक इंडिया था और इसके अलावा यूके या यूएस इसमें से कोई था, इस तरीके से क्वाड में था, ठीक है, तो इसमें इन पर्टिकुलर कंट्रीज के कैपिटल करेंसी और यहाँ पे जो इनके प्रेसिडेंट वगैरह हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूज में रहा है उसे एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस में ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक बैंकिंग टर्म्स, चेक्स, अकाउंट्स, नेफ्ट, आरटीजीएस और जो करंट जो आरबीआई के टर्म्स वगैरह भी रहते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी रेशियोस, ये सारी चीजें करंट में क्या चल रही है वो सब आपको पता होनी चाहिए एग्जाम से पहले, और यही एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी दिला सकता कम टाइम में, क्लियर है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अब बात करते हैं एसबीआई पीओ, सॉरी एसबीआई कलर्क की जो प्रीलिम्स की कट ऑफ थी वो क्या रही थी। अगर एसबीआई कलर्क की मैं प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करता हूं तो स्टेट वाइज कट ऑफ आप देख सकते हो 2021 की कट ऑफ है, आउट ऑफ 100 मार्क्स आप देख सकते हो। तो यहां पे अगर मैं ओवरऑल बात करूं, हरियाणा में 79.75 यानी अप्रोक्सीमेट कह सकते हो 80 गई है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 80 गए, इन दो स्टेट में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई, इसके बाद मध्य प्रदेश 81 यानी 82 मान के चलूं इसके अप्रोक्सीमेट है, और यहां भी आपको देखने को मिल सकता है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। मैंने गुजरात का आपको एग्जाम्पल दिया था, गुजरात कहां है देखो, गुजरात की कट ऑफ देखो 64.5 यानी अप्रोक्सीमेटली 65 मार्क्स, जनरल कैटेगरी की देखो, और यहाँ पे अगर आप हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अप्लाई करते हो 81 मार्क्स अराउंड आपको चाहिए थे, और इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एक लड़का वो हरियाणा से है या फिर पंजाब, हरियाणा या पंजाब से, उसने गुजरात से अप्लाई किया और वो वहां पे क्या है कट ऑफ का सबसे बड़ा इशू रहता है। एक तो वैकेंसीज भी कहीं ना कहीं है कि वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो काफी कम रहती हैं, ठीक है, उस वजह से काफी स्टूडेंट्स अदर स्टेट में अप्लाई कर देते हैं। और दूसरी चीज ये भी रहती है कि कट ऑफ के साथ साथ और भी फैक्टर्स रहते हैं कि हरियाणा से ज्यादा वहां पे कट ऑफ भी नहीं जाती है और वैकेंसीज भी ज्यादा होती है, तो ये चीज कहीं ना कहीं रहता है। तो कट ऑफ आप देख लो ओवरऑल, वैसे तो कोई इसका खास इंपैक्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है नेक्स्ट एग्जाम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी भी इसी से ज्यादा कट ऑफ जाएगी इसी से कम जाएगी, वो एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करेगा किस एग्जाम किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है, बट आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस पर्टिकुलर स्टेट में सबसे ज्यादा आपको कट ऑफ देखने को मिलती है, तो हरियाणा और इन स्टेट में ज्यादा मिलती है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं अपने होम प्रेफरेंस देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि भाई उसका लास्ट अटेम्प्ट है या फिर उनको जॉब चाहिए होती है अर्जेंट है, तो वो अदर स्टेट से भी अप्लाई कर देते हैं। तो एलपीटी का कोई इशू नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हरियाणा नॉर्थ इंडिया का है और साउथ में टोटली भर रहा, जैसे तमिलनाडु भर दिया तो केरला वगैरह, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक अलग लॉजिक हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के अप्लाई करना, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपका काम चल जाएगा, वो अलग ही लेवल की चीजें हो जाएंगी, क्लियर है। प्रीलिम्स की होगी, अभी मेंस की कट ऑफ देख लो, मेंस की कट ऑफ है वही हरियाणा में जो कट ऑफ गई है वो 97 गई है, और गुजरात की मैं कट ऑफ आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा चीजें समझ जाएंगी क्या चीजें चल रही है। यहाँ पे देखो गुजरात में कितना है 87,
97 और हरियाणा में 97, 10 मार्क्स का अप्रोक्सीमेट यहाँ पे डिफरेंस है। क्लियर, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप और अदर्स के अलग से रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं रहता है और काफी स्टूडेंट्स प्रेफरेंस भी देते हैं, ठीक है इस चीज को। जस्ट ए सेकंड, हरियाणा की 99.95 है ना, जस्ट ए सेकंड चेक कर लेते कहीं मैंने ऊपर नीचे तो नहीं, नहीं यही है सेम है, ठीक है। और दिल्ली की 99 रही है, तो हरियाणा और दिल्ली में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो सेम ही है, बट गुजरात में और इन चीजों में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिले। इससे भी कम है क्या किसी पर्टिकुलर स्टेट की? इससे कम तो नहीं है, आई थिंक नहीं दिख रहा इससे पर्टिकुलर कम, तो हाँ आपको कर्नाटका की देखने को मिलेगी इससे कम। तो ये चीजें रहती है। देखो मार्क्स तो मैं कहूंगा कि कट ऑफ को कोई फैक्टर नहीं है, कट ऑफ तो बस जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि स्टेट वाइज किसकी ज्यादा कट ऑफ रहती है किसकी कम रहती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कट ऑफ कहीं ना कहीं वैरी करती है एग्जाम का लेवल क्या रहता है उस चीजों पे, तो 2022 में इसका कोई खास रोल नहीं है। हाँ स्टेट में, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो उसको सोच समझ के करना, आप कट ऑफ देख लो क्या जाते हैं, प्रीवियस ईयर में वैकेंसी कितनी थी वो भी चीज आप देख लो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कि एक्सपेक्टेड डेट देखो एग्जैक्ट कोई भी चीज नहीं बताई जाती, नहीं कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन है किसी भी चीज की नहीं दी जा सकती कि भाई अभी इसी इसके अप्रोक्सीमेट होगा। हाँ कहीं ना कहीं अगर टीसीएस से कहीं कोई स्लॉट बुक हुआ होता है या फिर कहीं ना कोई कोई न्यूज आती तो भी हम कह सकते थे कि भाई स्टेट को नोटिफिकेशन आएगा, बट एक चीज जो कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैं जो जेन्युइन चीज है वो आपको बताता हूँ, और अब जो मेरा प्रेडिक्शन ये बोला कि मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ कि मार्च एंड या अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास आपको देखने को मिलेगा, मार्च में बोल सकते हो कि मार्च में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचो। जनवरी में एसबीआई पीओ है, ठीक है, जनवरी में एसबीआई पीओ है, सेकंड जन को आपका एग्जाम है, ठीक है। क्लैरिकल के आई थिंक 17 या 18 जन के अराउंड है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, बट 16, 17, 18 के अराउंड इसकी ज्वाइनिंग है अभी रिसेंट 2021 वाले। जनवरी में तो कहीं से भी कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस पढ़ा है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस पढ़ा है, इसके अलावा इनके बाकी की जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं एसबीआई की ही भी रह जाती हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ के जो अभी देखो मेंस होगा जैन में वो भी अभी डिपेंड करेगा, अगर लॉकडाउन में थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि काफी जगह थर्ड जो ओमिक्रॉन जो वेरियंट आया उसमें भी कभी कहीं कहीं चल रहा है, दिल्ली में आई थिंक 11 to 5 AM अभी भी लॉकडाउन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वेरी करेगा, अभी इसका एग्जाम डिले हो गया तो वो ज्यादा चलेगा, तो जैन में तो पूरा कंप्लीटली एसबीआई पीओ का बाकी प्रोसेस भी होंगी, फरवरी में भी कहीं ना कहीं रहेगा, तो मार्च के एंड तक कहीं ना कहीं इन चीजों में ओवरऑल कह सकते हो कि भाई एसबीआई पीओ की जो फाइनल रिजल्ट है फरवरी एंड या मार्च की स्टार्टिंग पे मिलेगा, उसके बाद एसबीआई क्लर्क की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, उससे पहले तो कोई चांस नहीं है। बाकी अगर आ जाता है तो मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, और नहीं आता है तो फिर हमें तो क्या करना। देखो सिंपल बात बताता हूँ, अब ये मत सोचना कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, एक बार क्या होता है जनवरी फरवरी मार्च ये 3-4 महीने होते हैं आपके पास अगर आपकी कोई भी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकले तो, या फिर आपकी प्री निकल गए मेंस आपके हैं तो आप मेंस पे फोकस करोगे। अभी तो मान लीजिए जैन में तो आप जैन और फेब में तो आप इन्हीं में बिजी रहोगे, आप इन चीजों को मत सोचो कि भाई नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा या फिर नोटिफिकेशन कब आएगा। हर जगह आप क्या करते हो एक वीडियो देख ली भाई कब आएगा नोटिफिकेशन, अच्छा अब आ रहा है ठीक है पढ़ लेंगे, जब आएगा तब देख लेंगे, तब नोटिफिकेशन फिर देखा आपने एक हफ्ते बाद, अच्छा अभी नहीं आया तब आएगा तब पढ़ लेंगे। नोटिफिकेशन आ गया मान लीजिए मार्च में आ भी गया आपका, आपने जनवरी से मार्च तक का टाइम निकाल दिया ये सोच के कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा, और मार्च के बाद इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप अपने बेसिक्स को रिवाइज कर पाओ या फिर आप अपने बेसिक्स को जो वीक एरिया है उसको इंप्रूव कर पाओ, तो फिर आप कहोगे यार मेरे से तो गलती होगी, काश मैं उस टाइम पे पढ़ लेता, चलो कोई नहीं जितना होगा वैसे करेंगे, और फिर आप बिल्कुल क्लोज आके जब रह जाओगे ना तब उस टाइम की वैल्यू आपको समझ आएगी। नोटिफिकेशन जब आना होगा वो आएगा, ना वो मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है ना किसी और के कंट्रोल में है। अब वीडियो चाहे मैं इस पे 1000 बार आ दूं लॉजिक उस चीज का कोई है नहीं, आएगा तब आएगा। और हाँ रीजन जो मैंने बताया मार्च का वो ये बताया क्योंकि अभी कहीं भी कोई न्यूज नहीं आई कि भाई अभी कोई भी स्लॉट बुक हुआ है फिर कुछ भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आया हो। एग्जाम है पीओ के मेंस है आईबीपीएस के बचे हुए हैं क्लर्क के भी बचे हुए हैं इनकी ज्वाइनिंग भी रहती है, तो अभी जैन और फेब में तो इसका कोई लॉजिक नहीं लगता कि नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद रहेगा मार्च में अप्रैल में रहेगा इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि प्रिपरेशन पे फोकस रखो ना कि नोटिफिकेशन पे, आएगा तब आएगा नहीं तो अदरवाइज अपने पास ऑप्शन क्या है, अगर जनवरी में आ गए तो भी हम कौन सा रोक लेंगे उसको, और फरवरी में आएगा तब भी कौन सा कुछ कर लेंगे, हमारा काम क्या है पढ़ना, अगर हम पढ़ लिए हम तैयार हुए जब भी नोटिफिकेशन आता तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर हम इसी चीज पे इसी न्यूज को ढूंढने पे फिर घूम रहे हैं कि जनवरी में आएगा या वो टीचर बोल रहा है फरवरी में आएगा या फिर वो तो बोल रहे हैं जनवरी में देखने को मिल जाएगा, तो वो सारी चीजें रहेंगी। देखो एक जनवरी में एक चीज देखने को जरूर मिलेगी आईबीपीएस का कैलेंडर, ठीक है।
अगर मान लीजिए आपको आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, जेन्युइनली 2022 में सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि 23 का किसी को नहीं पता कि सीटी आएगा कि नहीं आएगा, बट 22 का कन्फर्म है सीटी नहीं आएगा। अगर आईपीएस का कैलेंडर आएगा ही आएगा, जनवरी 15-16 के आसपास आ जाता है, और एसएससी का आ गया तो दैट्स मीन आईपीएस का भी आएगा ही आएगा। अगर आईपीएस का कैलेंडर आ गया तो ये चीज है कि आरआरबी की डेट पता लग जाएंगी और आईपीएस पीओ की डेट पता लग जाएगी और आईपीएस कब लगे, ये चीज तो कंफर्म हो जाएगी जो अराउंड अगस्त के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये सोचो कि आपके पास कोई तो टारगेट है ना। अभी स्टूडेंट क्या बोलेंगे, सर हमें ये नहीं पता हमारे एग्जाम कब है। अभी ये मान के चलो कि जनवरी में इतना चीज तो कंफर्म है कि आपके आईबीएस का कैलेंडर आएगा और आपको ये भी पता है कि उस टाइम आपका एग्जाम होगा, तो क्या आप उसके लिए तैयार नहीं करोगे क्या? आप तो हो गया 8 महीने, बहुत टाइम है। देखो टाइम कभी भी कम नहीं होता, टाइम ना ही रुकता ना ही कुछ होता है। जो भी चीजें हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, उनको लगा दो डेली, जो भी वीक सेक्शन उसको इंप्रूव करने पे फोकस करो। इस बीच में कलर आ जाते तो बहुत अच्छी बात है, बट आएगा जरूर, इतना कंफर्म है कि डिले हो सकता है, क्योंकि क्या पता है यार आगे क्या होने वाला है, किसको नहीं पता, किसी को नहीं पता। थर्ड वेरिएंट ओमिक्रॉन है, कई जगह लॉकडाउन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आगे जाके लॉकडाउन इंप्लीमेंट हो जाए और फेबर या मार्च में ऐसा कुछ भी ना देखने को मिले, और बाद में जैसे अब की बार एसबीपीओ भी डिले हुआ था, लास्ट 2 ईयर से हो रहा है वरना एज यूजुअल एसबीआई तो आपका मई में आता है पीओ का, और क्लेरिकल जैन फेब के अराउंड आ जाता था। तो हो सकता है यार आगे कुछ भी हो जाए, हमें एग्जैक्ट चीजें नहीं पता होती, ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको। अदरवाइज मैं आपको एक बेफालतू का लॉजिक देके भी आपको बता सकता था कि भाई हाँ फरवरी में आएगा, किसी ने मुझे बताया था कि फरवरी 2022 में नोटिफिकेशन आएगा, ये चीज भी मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक मेरा सोर्सेज है। अब सोर्स क्या है किसी को नहीं पता, ठीक है? तो ये चीजें नहीं करनी है, जेन्युइनली जो चीज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आएगा तो ठीक है, मार्च तक हमें देखने को मिलेगा, और वो इस पॉइंट पे बोल रहे हैं क्योंकि उसमें प्री और मेंस, जो मेंस के एग्जाम है उनके आगे जो भी है, जैसे जीडीबी होना है, किसी का इंटरव्यू होना है, फिर फाइनल चीजें आने वाली है। तो एसबीआई ऐसा नहीं है कि एक ऑनगोइंग जो रिक्रूटमेंट चल रही है उसको छोड़ के एक नई रिक्रूटमेंट पे लगेगा, तो पहले वो कंप्लीट होगी उसके बाद ही नई रिक्रूटमेंट है वहां पे स्टार्ट करेगा। तो मार्च से पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं है, मार्च में आपको देखने को मिलेगा। चीजें क्लियर है, अब सेशन को एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, आपको हर एक चीज क्लियर होगी होगी एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्वालिटी हाई क्वालिटी के मॉक्स देना, तो एक बार आप एंट्री की ऐप को जरूर डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट काफी मॉक्स अवेलेबल हैं और लाइव मॉक भी यहाँ पे होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ट्राई कीजिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप पेड वर्जन में भी जा सकते हो, अदरवाइज फ्री भी बहुत सारा कंटेंट है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इस पे क्या होता है कि आपको अपडेट मिलते रहते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भी यहाँ पे चीजें रहती है रिजल्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन रहती है वो यहाँ पे आपको आपके डायरेक्ट नंबर पे मिल जाएगी, ठीक है? तो आप यहाँ पे जाके अपना कह सकते हो कि भी मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, या फिर आपको पर्टिकुलर एक लिंक पे डाल देंगे। इससे क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर अपडेट को एक बार भेजने पे वो सभी स्टूडेंट्स के पास उनके पर्सनली मैसेज के थ्रू पूछा जाता है, ना किसी पर्टिकुलर ग्रुप में। क्लियर है? तो चलिए मेंशन आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर शेयर कर देना, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट आप बता सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।